औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर्राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि सूरह मुबारक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 92 की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, जिसका तर्जुमा यह है कि ये एतराफ़ सुनते ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब आज से तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो तो तमाम रहम करने वालों से कहीं बढ़ चढ़ कर रहम करने वाला है। तफसीर माजिदी में इस आयत की ज़ैल में लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फरमाने का मकसद ये था कि मैंने तुम्हारा क़ुसूर माफ़ कर दिया, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ़ हो गया। यही आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के वक्त अपने खून के प्यासों के सामने पढ़ी थी, जबकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये जुमला अपने भाइयों से कहा था। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ज़्यादा रहम फरमाया और फ़राख़दली का इजहार फरमाया। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि शाह करमानी का कौल है कि जो शख्स मखलूक को खुदा की नज़र से देखेगा वो उनको माफ़ कर देगा और उनकी मुखालफत की परवाह भी ना करेगा, लेकिन जो शख्स उनको अपनी नज़र से देखेगा वो अपनी सारी उम्र बहस मुबाहिसे ही में ज़ाय कर देगा। तफसीर थानवी में लिखा है कि क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खुदा की क़ज़ा व क़दर का इल्म था, इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों का उज़्र कबूल फरमाया और उनको माफ़ कर दिया। तफसीर अनवार नजफ़ में इस आयत की ज़ैल में लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जब एक शख्स ने नासज़ा अल्फाज कहे तो आप अलैहिस्सलाम उसके घर पहुँचे, वो शर्मसार हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिन अल्फाज से तूने मुझे ख़िताब किया था अगर वाकई में उनका मुस्तहिक़ हूँ तो अपने लिए अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर तुझे गलत फहमी हुई थी तो तेरे लिए अल्लाह से बख्शिश का तलबगार हूँ। बस वो शख्स मुतासिर होकर तायब हो गया। कुरान मजीद के बारे में कुछ गुफ्तगू चल रही थी। सूरह मुबारक बनी इसराइल के आयत नंबर 107 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यस्जुदूना लिल अज़क़ान सुज्जदा। इससे पहले जिन्हें इल्म दिया गया है जब ये पढ़कर उन्हें सुनाया जाता है तो यकीनन वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। यानी कुरान इंसान को खुजू व खुशू सिखाता है। इंसान पर जो जो अल्लाह के बंदे पर जिस अल्लाह के बंदे पर कुरान की आयात वाज़े होती जाती हैं, बंदे के अंदर खुजू व खुशू में इजाफ़ा होता जाता है। कुरान मजीद की तिलावत के चंद आदाब हैं। तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि उनकी तरफ तवज्जो करें ताकि तिलावत कुरान के मानवी आसार व फ़वाइद से महरूम न रहें। पहले मरहले में यह है कि कुरान के सामने खुजू व खुशू का ख्याल रखें। खुशू व खुजू से मुराद दिली तौर पर मुतासर होना है जो इंसान के आज़ा व जवारे से नुमायाँ होता है। कारी कुरान अपने आप को परवरदिगार के सामने एहसास करे और अपने अंदर तिलावत कुरान से क़ुर्ब खुदा का एहसास करे। आयत इलाही की तिलावत करते वक्त उन आयत के मज़ामीन व मतालिब की रोशनी में उन पर हालत हुज़्न, गमी या हालत खुशी तारी हो जाए, यानी हकीकतन आयत इलाही से मुतासर होकर आयत के मजमून के मुताबिक उसे गम या खुशी महसूस हो और कुरान से इस तरह पैगामंद हो कि तिलावत कलाम इलाही के बाद वो अपने अंदर मानवी रुश्द व कमाल का एहसास करे। हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दावत रावंदी जो किताब है उसके सफ़ा 273 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन उन दिलों को भी लोहे की तरह जंग लग जाता है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग को कैसे ख़त्म करें? तो फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र और तिलावत कुरान से। बाज़ औक़ात बच्चे रात का खाना खाने के बाद हाथ धोए बगैर सो जाते हैं। उनके हाथों में मौजूद खाने की चिकनाहट और दूसरी चीज़ें बच्चे के लिए बीमारी का सबब बन सकती हैं। हिफ़्ज़ान सेहत के इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जो शख्स ग़िज़ा तनावल करने के बाद अपने चिकने और ग़ज़ा में डूबे हुए हाथों को धोए बगैर सो जाए तो अपने सिवा किसी और को मलामत ना करे। ये किताब इब्न माजा में लिखा हुआ है सफ़ा 265 पर, और किताब कंजुल उम्माल में है 15वीं जिल्द में सफ़ा 422 पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।